हेलो, क्या तू अपनी मौत को नहीं पहचानता? मेरी मौत और तू सपने देख रहा है? शायद तुझे पता नहीं, दिन के सपने पूरे नहीं होते। कैसा इंसान है रे तू, वाकई तुझे मौत से डर नहीं लगता? डरता तो मैं अपनी मौत से भी नहीं, हम तो हर वक्त अपनी मौत का पीछा किया करते हैं, पर मौत है कि साली आती ही नहीं। बहुत खूब, लेकिन तेरे चाहने वाले की तो मौत आ ही सकती है। कमीना, बात संभाल के ना, तो आंत में इतना लात मार जितना जीवन भर बात ना खेले पे। हाँ, एक बात और, डरने की आदत डाल ले, जिंदा रहेगा। चीख मत, चीख मत, कहीं ऐसा ना हो कि चीखते चीखते तेरी जीत और तेरी जिंदगी का फासला कम हो जाए। तू जहां खड़ा है ना, वहां से तेरे जीत की दूरी 20 मिनट है। उधर शवाना की जिंदगी से मौत की दूरी भी 20 मिनट ही है। अब तेरे हाथ में है, तुझे जीत प्यारी है या शवाना की जिंदगी प्यारी, सोच ले। काउंटिंग खत्म होने से पहले इंडियन किकबॉक्सर विशाल सिंह नहीं आए तो पाकिस्तानी खिलाड़ी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। 1, 2 लिखने जा रहा है। जैसा कि आप इस वाक्य से वाकिफ हैं कि जब कभी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कोई खेल प्रतिस्पर्धा होती है तो दुनिया के तमाम मुल्क और इसके चाहने वाले इसे एक आक्रामक जंग के नजर से देखते हैं, जो कि आज इस किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल मैच में देखने को मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 बार से सरफराज किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के विजेता रह चुके हैं और ये 3री बार हैट्रिक करना चाहते हैं। और इसी के साथ फाइट स्टार्ट, और आगे की कमेंट्री जावेद से। थैंक यू जुबैर। और ये पहला हिट सरफराज का, ये विशाल का राउंड किक। सरफराज अपने आप को डिफेंस करते हुए, ये दोबारा से राउंड किक। सरफराज ने राउंड किक किया वापस से। दोनों ही खिलाड़ियों का बहुत अच्छा डिफेंस है। वापस से सरफराज ने राउंड किक किया और पूरी तरीके से बीट हुए। रेफरी ने सरफराज को रोक लिया है। वापस से फाइट शुरू होती हुई। सरफराज पूरी तरीके से तैयार फाइट के लिए। विशाल अपने आप को डिफेंस करते हुए, बहुत अच्छा डिफेंस। और ये राउंड किक दिया है, बहुत अच्छा डिफेंस है विशाल का। ये राउंड किक भी अभी तक सरफराज का कोई भी राउंड किक काम नहीं आ रहा है। और ये विशाल का किक, ये दोबारा से विशाल ने किक मारा और ये वापस से राउंड किक। विशाल अपने आप को सुरक्षित कर लिए है। वाह, विशाल का क्या लाजवाब डिफेंस है। और ये वापस से सरफराज ने हिट किया है, विशाल हिट हुए हैं। बहुत अच्छा डिफेंस विशाल का। और ये दोनों में काटे की टक्कर चल रही है इस वक्त। विशाल लगातार सरफराज को हिट करते हुए जा रहे हैं। बहुत अच्छा। विशाल ने क्या बेहतरीन तरीका अपनाया है और विशाल को रेफरी रोकते हुए। इस वक्त फाइट थम गई है। विशाल पूरे जोश में, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सरफराज को मार ही डालेंगे। ऐसा जोश आज के नौजवानों में हमेशा दिखने को मिलता है। और ये फाइट तो किक बॉक्सिंग फाइट है। और ये सरफराज ने तो विशाल को बैक से हिट कर दिया। रेफरी ने फिर दोनों को रोका। सरफराज में बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जोश।
ऐसा तो हमेशा देखने को मिलता ही है। रिंग के अंदर दोनों ही प्लेयर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, दोनों एक दूसरे को मार ही डालना चाहते हैं। आज की फाइट से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जीतेगा। दोनों कांटे की टक्कर हो रही है। जुबैद, आपको क्या लगता है इनकी फाइट देखकर? कुछ भी बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों में कांटे की टक्कर हो रही है। कुछ भी बताना इस समय इम्पॉसिबल है कि जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों में एनर्जी बिल्कुल बराबर की तरह है। और इसी के साथ वापस से फाइट शुरू होती है। रेफरी ने फाइट का इशारा किया। अब आगे की कमेंट्री जावेद से। थैंक यू जुबैद। इसी के साथ फाइट स्टार्ट। विशाल वापस से हिट करना शुरू करते हैं सरफराज को। ये बहुत अच्छा हिट दिया है सरफराज को। सरफराज अपने आप को बचाने में एकदम से नामुमकिन है, लेकिन वो बहुत अच्छा हिट, वाकई में लाजवाब है। राउंड किक, वापस से विशाल राउंड जा रहे हैं। सरफराज कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, और सरफराज पूरी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरफराज वापस उठने को लायक ही नहीं बचेंगे, क्योंकि बैटल में विशाल का जो हिट पड़ा है उससे तो कोई भी उठ ही नहीं सकता है। और ये विशाल का सबसे फेवरेट हिट है। इसी के साथ ही साथ रिंग के अंदर रेफरी की काउंटिंग भी जारी है। उसी से पता चलेगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। और इसी के साथ ये मैच विशाल ने जीत लिया है।